सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाव में स्वर्णिम वाटिका के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार ने शिरकत की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु संतुलन में वनों का महत्वपूर्ण योगदान हो रहता है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मौजूदा वन आवरण क्षेत्र 27.72% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राजत्व के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार लोगों में स्वस्थ जीवन शैली प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 68 स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। परमार ने कहा कि जिला कांगड़ा में पौधारोपण के दौरान देवदार, औषधीय और चौड़ी पत्ती वाले पौधे रोपित किए जाएंगे। पालमपुर वन मंडल में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.25 लाख पौधे रोपित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वन है तो कल है, इसलिए वनों को संरक्षित रखने के लिए सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने सभी लोगों से एक एक पौधा अवश्य रोपित करने के उपरांत पौधों का संरक्षण करने की अपील भी की। जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में ये फैसला लिया था कि हर पंचायत में हम वृक्षारोपण करेंगे और 23 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक हर गांव, हर पंचायत, हर पोलिंग बूथ पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। और सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी अभी तक लगभग मैं कह सकता हूं कि 2 जोन और 28 पंचायतों में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम और ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5 तारीख तक चलेगा। हम हर दिन एक जोन में लगभग 19 पंचायतों में ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज जो स्वर्ण वाटिका हमारी अपनी पंचायत ननाव में वन विभाग के द्वारा बनाई गई थी, जहां पर ट्रैक बनाया गया है, जहां पर बेंचेस लगाए गए हैं, यानी अच्छी वाटिका का रूप यहां पर दिया गया है। इसी वाटिका के अंदर ये वृक्षारोपण हुआ है और इस वृक्षारोपण में चाहे वो हर्ड है, भेड़ा है, आमला है, अर्जुन है, ऐसे औषधीय पौधे जो हैं यहां पर लगाए गए हैं। मकसद क्या है? अभी हमने कुछ दिन पहले कोरोना ऐसा करके जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, वो बीमारी हमारे इस हवा के साथ जुड़ी हुई है। और जिनको कोरोना हुआ या जिन परिवारों में लोगों ने जिंदगी जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो सारी बात बहुत विस्तार से बता सकते हैं, उस पीड़ा का जिक्र कर सकते हैं। इसलिए भविष्य की अगर हम सोचें तो हम पौधा लगाएं और पौधा भी लगाएं, हम काटते भी हैं, पर ये संकल्प लें कि अगर कहीं मजबूरी में कटान करना पड़ रहा है, पौधे काटे जा रहे हैं मजबूरी में, तो वहां पर हम 5 नए पौधे लगाएं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है इन पौधों से मिलती है, वो ऑक्सीजन इनसे मिले, हम स्वस्थ रहें और कोरोना जैसी महामारी जिसके कारण हमारा जीवन हमारे ऊपर खतरे के बादल मंडराए हुए हैं और ये अभी आगे भी मंडराए हुए हैं, हम ये ना सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया। यानी ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, सबूत तो नहीं है पर कहा जा रहा है, इसलिए हम सतर्क रहें, हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हमारे गांव के सभी प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, इलाके की जनता जनार्दन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बूथपालक, बीएलए, पन्ना प्रमुख एवं महिला मंडल, ऐसे तमाम यहां पर शामिल हुए, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और वृक्षारोपण के इस मौके पर मैं सभी को बधाई निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जितने भी यहां पर सज्जन आए हैं वो पौधा जरूर लगाएं, और जो पौधा लगा करके जाएंगे
वो उसकी रक्षा भी करें। उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पौधा लगाना आसान है पर उसको जीवन देना, उसको उसकी परवरिश व चिंता करना, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर आए हैं वो जरूर आज वृक्षारोपण के रूप में अपना पौधा लगाएं। मजबूरी में कटान करना पड़ रहा है, पौधे काटे जा रहे हैं मजबूरी में, तो वहां पर हम 5 नए पौधे लगाएं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इन पौधों से मिलती है, वो ऑक्सीजन इनसे मिले, हम स्वस्थ रहें और कोरोना जैसी महामारी जिसके कारण हमारा जीवन हमारे ऊपर खतरे के बादल मंडराए हुए हैं और ये अभी आगे भी मंडराए हुए हैं, हम ये ना सोचें कि सब कुछ ठीक हो गया। यानी ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, सबूत तो नहीं है पर कहा जा रहा है, इसलिए हम सतर्क रहें, हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हमारे गांव के सभी प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, इलाके की जनता जनार्दन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बूथपालक, BLA, पन्ना प्रमुख एवं महिला मंडल, ऐसे तमाम यहां पर शामिल हुए, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और वृक्षारोपण के इस मौके पर मैं सभी को बधाई निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जितने भी यहां पर सज्जन आए हैं वो पौधा जरूर लगाएं और जो पौधा लगा करके जाएंगे वो उसकी रक्षा भी करें। उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, पौधा लगाना आसान है पर उसको जीवन देना, उसको उसकी परवरिश व चिंता करना, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। ये मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी यहां पर आए हैं वो जरूर आज वृक्षारोपण के रूप में अपना पौधा लगाएं और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि स्वस्थ हो हमारा समाज, पर्यावरण में भी ऐसा अच्छा हो, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, वो उसके लिए ये वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो हमारे पंचायत के आस पड़ोस की पंचायतों के हमारे DFO श्रीमान पाटिल साहब, यहाँ पर अन्य यहाँ इनके अफसर साहिबान, फॉरेस्ट गार्ड्स जो यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं स्वागत, आपका धन्यवाद। जय हिंद।